बस भाई, अब मैं मेरी फ्लाइट है अभी 2 घंटे बाद, तो अभी तो मैंने एयरपोर्ट में चेक इन नहीं किया है। एक ऐसा स्पॉट मुझे यहाँ पे मिला है जहाँ से मुझे पूरा एयरपोर्ट दिख रहा है, सारी फ्लाइट्स दिख रही है मुझे। ये देखो भाई, आवाज आ रही है, दिखाता हूँ मैं तुमको। देखो ये, देखो ये, मतलब सारी जगह पे यहाँ से फ्लाइट। देखो भाई, वो फ्लाइट अभी फ्लाई होगी, वो देखो जा रही है, ठीक है। तो मैं कैसी जगह पे बैठा हूँ अभी, नीचे ये पार्किंग लॉट है। देखो भाई, वो फ्लाइट देखो कहाँ गया मादरचोद। तो ये इंडियाना स्टेट नहीं है मादरचोद भाई। अगर तुम, मैं तुमको बताता हूं भाई, अगर तुम साउथ अमेरिका जाओगे, लेटिन अमेरिका जाओगे, तो वहां के जो जितने भी एयरपोर्ट है ना, मोस्ट ऑफ एयरपोर्ट वो ऐसे खुले खुले एयरपोर्ट है, राइट। तो अभी यहाँ पे एक मुझे अच्छा स्पॉट मिला है बकचोदिया पिलने के लिए, तो अभी मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, राइट। तो अब जिसको भी ऐड होना है वो बोल सकता है कि ऐड करी, क्योंकि अभी थोड़ा फ्लाइट में देर है। तो मैंने थोड़ा जल्दी से, मेरी आंख खुल गई सुबह में, तो 12 बजे का चेक इन था, तो मैंने चेक इन कर लिया, चेकआउट कर लिया, वरना मादरचोद फालतू में 1-2 घंटे के लिए पूरे दिन का पैसा देना पड़ता। हाँ, अगर कोई बंदी होती साथ में तो रुक जाता, पैसे दे देता, क्योंकि देखो भाई, बंदी के साथ रुकना वर्थ इट, बंदी के अलावा रुकना वर्थ इट मत है। मैंने बोला अब निकल लो, चुत गई क्या किसी की भाई, किसको ऐड होना है। ये आरिहा शाही गुस्से से पूछ रही है कि अरमान मलिक का मादरचोद, अरमान मलिक का क्या हुआ, तुम साले नल्ले लोग, उसकी रील्स जाके, उसके यूट्यूब जाके तुम लोग मादरचोद देखते हो, तुम्हारे व्यूज से उसको नल्ली मिलती है, पैसा मिलता है। साले तुम लोगों को मर जाना चाहिए। बहनचोद ऐसे रेपिस लोगों को तुम लोग सपोर्ट करते हो। बहनचोद उसको तो चप्पल से मारना चाहिए, इसकी माँ का भोसड़ा, उसकी तो रंडी बीबी है ना, राइट। वो गटर की खुद पैदाइश बहन का लौड़ा, पता नहीं किस नाली के अंदर वो पैदा हुआ था मादरचोद, और तुम ऐसे लोगों को सपोर्ट करते हो, ऐसे लोगों को बहनचोद तुम सपोर्ट करते हो, जो बहनचोद अपनी बीबी का खुद दल्ला है। वो अपनी बीबी को खुद बहनचोद लोगों के साथ, बहनचोद बोलता है कि जाओ उसके साथ जाके तुम सो जाओ होटल के कमरे में। ये मादरचोद, ये टहल का नाम का बहन का लौड़ा, जिसकी कोई औकात नहीं है, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो बंदे तक ने, उसने बहनचोद अपनी बीबी के ऊपर, बहनचोद इसने अपनी बीबी को बेच के, उसकी बीबी ने अपनी चूत टहलका की बहनचोद मुंह में ऐसे डाल दी होगी भाई, टहलका ने कुछ आगे बोला ही नहीं भाई। जैसे ही टहलका मुंह खोलने की कोशिश करता है ना ये रेपिस्ट के बारे में, राइट, उसकी दोनों रंडिया टहलका की मुंह में अपनी चूत चिमटा देती है। टहलका ऐसे ही मुंह खोल के बैठता है और वो जाके चूते चिमटा देती है, राइट। तो टहलका को तो मजे आ रहे है भाई, उसने तो अब सोच लिया है कि अगर जिस दिन मैनू चूत नहीं मिली, उस दिन मैनू बोलना है कि मैं तेरी माँ चोदूंगा अरमान। जैसे ये लाइव पे आके बोलता है, ये बोलता है अरमान, अरे बड़े भाई रुक जाओ यार, आज मेरी बीबी के पीरियड्स आ गए थे, इसलिए मैंने अपनी रंडी को भेजा नहीं, लेकिन पीरियड्स खत्म होने दो, उसके बाद मैं भेजूंगा।
तो वो टहलका बोलता, टहलका पता है क्या बोलता है, टहलका बोलता है कि नहीं मैं तुम्हारी बीबी के पीडियर्स भी पी जाऊंगा, लेकिन भेजो, आग लगी पड़ी है ना ओ प्रैंकस्टर, अपनी औकात में रहे, समझा बहन के लोड़े, वरना खड़े खड़े चोद दूंगा। देख भौकाल टाइप आवाज आती है भाई, कहाँ गया ये माँ का लौड़ा। हाँ तो भाई एक लिख रहा है कि बनोनी भैया शर्ट बहुत ही अच्छा है, भाई मैं हमेशा अच्छे अच्छे कपड़े ही पहनता हूँ, हमेशा भाई मैं दो कौड़ी के ही कपड़े पहनता हूँ हमेशा। अरे माधव चो दैर किसको ना है वो बताओ पहन के लौड़ो, किसको ऐड होना है भाई ये बताओ। अरे किसको माधव चो, यार सोचो जब वो 2 साल पहले वो गीता कॉलोनी में बेंचो 3 साल की बच्ची का रेप हुआ था, तब तो पूरे इंस्टाग्राम वाले बेंचो ये गलत हो गया, ये भोसड़ा हो गया, ये नहीं होना चाहिए था भाई, सांत्वा संबोधन देने के लिए उस दिन तो सब इंस्टाग्राम वाले पहुंच गए थे कि उसकी फैमिली को हम आश्वासन देंगे, सांत्वा संबोधन देंगे, वो बहन के लौड़े को फांसी होनी चाहिए। तो अब ये बहन चोद कहाँ पे है ये सब लोग, जो ये रंडी का बच्चा जो अरमान है, जो संदीप जांगड़ी, तो ये संदीप जांगड़ी की बीबी को क्यों ये लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, क्यों दोनों रंडियों को लोगों ने छुपा के रखा हुआ है, निकालो वो दोनों रंडियों को अपने अपने बिल में से और बताओ उसको। वाह यार कौन सी है, टर्किश एयरलाइंस, टर्किश थी ये, टर्किश एयरलाइंस। तो कहाँ गया ये, क्यों अब कोई यहाँ पे आता मत है, क्यों आखिर क्यों क्यों कि अरमान मलिक के गुंडा है, अगर अरमान मलिक के बारे में तुमने कुछ बोला तो वो तुम्हारी माँ बहनों को घर से उठा के लेके जाएगा, जैसे उसने टहलका की बीड़ी बीबी को अपने घर से उठवा लिया, 4 दिन तक चुदाई हुई उसकी। सोचो टहलका की बीबी की हाथ लगे पैर लगे 4 दिन तक उसकी चुदाई हुई वे, सोचो, इसीलिए तो टहलका की बीबी इतनी चिपक गई है, मतलब कि इतनी पतली हो गई वो लंड ले लेकर। भाई अच्छा यहाँ पार्किंग लॉट में भी नंगे घूम रहे हैं लोग, हद मचा दी है ये ब्राजील में तो, पार्किंग में भी नंगे घूम रहे हैं, सोचो बहन चो। सुन पे हो प्रैंक स्टार, वो ऑस्टिन को लेके आ, समझा, घोसड़ी के इसने मुझे एक वीडियो भेजी, ये माधव चौध ने, ये क्या नाम है ये प्रैंकस्टार ने, उसके साथ वो 500-800 किलो का बंदा बैठा हुआ है, ठीक है, वो 800 किलो का जो बंदा था ना, वो ऐसे ड्राइव कर रहा था ऐसे करके, भाई वो अपने हाथ से ड्राइव नहीं कर रहा था, वो जो कार का स्टेयरिंग था ना, वो कार के स्टेयरिंग के नीचे वो ऑस्टिन ने अपना पेट घुसाया था और अपने पेट को ही वो ऐसे ऐसे हिला रहा था। वो अमेरिका में एक है ना, वो स्पिगडी बी क्या नाम है उसका, उसकी रील बहुत वायरल होती है, वो अमेरिका का एक है स्पिगडी बी क्या नाम है उसका। तो भाई वो बंदा है ना, उसको हाथ की जरूरत नहीं है, ठीक है,
वो अपने पेट से ही ऐसे 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 बेंच और स्टीयरिंग हिलाता था। तो ये बोल रहा है कि फाइनली ऑस्टिन भाई तुमने मेहनत करके अपना घर बना लिया, मेहनत करके तुम्हारे भाई ने बेंच और कार ले ली, ये इसको ये बोल रहा था। तो ये ऑस्टिन ने बोला कि भाई देख कार बार तो ठीक है, लेकिन बेंच और पता नहीं कि इतने गंदे चेहरे पे कैसे बेंच और लड़कियां सामने से बोलती है कि रील बनाओ रील बनाओ। वो खुद ऑस्टिन खुद परेशान है कि बेंच और कैसे, मतलब कैसे कोई इंसान इतना गंदा दिख सकता है। ठीक है भाई, जैसे ही वो ऑस्टिन ने अपने हाथ ऐसे किए ना, ऐसे किए ऐसे किए, तो ये प्रैंकस्टर ने ऐसा बोला कि जरा ऑस्टिन भाई हाथ नीचे कर लो, बहनचो बदबू आ रही है तुम्हारे बगलों में से। भाई वो ऑस्टिन ने बोला कि साले दो कौड़ी के यूट्यूबर, और गाड़ी गाड़ी को खड़ी रखी और इसको लात मार के कार से बाहर निकाल दिया। क्यों अब भाग क्यों गया, सच्चाई बता सच्चाई बताई तो भाग क्यों गया प्रैंकस्टर वो सही के इसे मुझे बोला कि पनौरी भाई बदबू आ रही थी तो मैं बदबू ही बोलू ना। मैंने बोला तूने तो सही किया, वहां पे रील थोड़ी बेंच हम लोग शूट कर रहे थे, वो तो रियलिटी थी। मैंने बोल दिया कि साले बदबू बहुत आ रही है ये देखो बेंचो नीचे बोल रहा है लंडका बाल साले। सुन वो ऑस्टिन है ना, ऑस्टिन भाई इतना मतलब के कैसे भाई, मैं सच बता रहा हूं। एक मिनट ये प्रैंक स्टार को ऐड करता हूं, एक मिनट रुक जा प्रैंक स्टार, आ जा भाई तू। भाई ये प्रैंक स्टार को ऐसा बोला वो ऑस्टिन ने कि भाई तेरे साथ मैं रील बनाना चाहता हूं, ये प्रैंक स्टार ने बोला ऑस्टिन को। तो वो ऑस्टिन ने ये बोला कि भाई देख मैं तेरे साथ तो रील नहीं बनाऊंगा, लेकिन इंस्टाग्राम पे तेरी जितनी भी बहनें हैं ना, सारी बहनों को बोल दे उनके साथ मैं रील बनाऊंगा। भाई ये बंदे का अबे पनौड़ी तू पागल हो गया क्या, तू पागल हो गया क्या, तू कभी तेल का मुंह में ले रहा है, कभी किसका ले रहा है, तू दिमाग है, समझ रहा तू कुछ? हाँ मैं कहा तहलका का मुंह में ले रहा हूँ, तहलका का तो मुंह में वो ले रही है, कीर्तिका और पायल वो दोनों ले रहे हैं। तू कभी तहलका के बारे में बोल रहा है, कभी ऑस्टिन के बारे में बोल रहा है, अबे क्या है पनौड़ी यार, क्या है तेरा, तेरा कुछ पावर रहा नहीं लगता है, तेरा सब पावर खत्म हो गया लगता है तेरा। अरे मेरा क्या है पावर, मुझे तो बकचोदी पेलनी है, उसमें पावर की क्या जरूरत होती है बकचोदिया पेलने में, बता। तू अपनी आदत को संभाल ले पहले भाई, आजकल यूट्यूबर के हाथ में लग रहा है, देखो नंगा का दौड़ा है यूट्यूबर भाई। किसने, ऑस्टिन नंगा हो गया? अरे तेरे को नंगा का दौड़ा है, तू यूट्यूबर के राज में लग मत पनौड़ी। अरे साले वो ऑस्टिन की जो चमड़ी है ना, वो सुपर की चमड़ी है क्या? अरे तू कभी सुपर लेग पीस के नाम में लग रहा है, तू कभी ऑस्टिन के लिए बोल रहा है, कभी मुझे तेलका के लिए बोल रहा है। अरे मैं तो ऑस्टिन, तू मुझे ये बता, चल तू मुझे ये बता, मैं ऑस्टिन को क्या बोलू, ऑस्टिन को उसको मैं ऑस्टिन को जस्टिन बिल्बर बोलू, ऑस्टिन को मैं जानी डीप बोलू, ऑस्टिन को मैं ऋतिक रोशन बोलू, भाई जो जैसा दिखता है ऐसा। देख मेरे दांत गंदे है तो लोग बोलते नहीं है कि पनौड़ी तेरे दांत गंदे है। पनौड़ी तू क्यों किसी के गाल में उंगली कर रहा है, गाल में उंगली तो बात आएगा, गाल में उंगली नहीं, उसकी में पूरा हाथ करना पड़ेगा, उंगली से उसका कुछ नहीं होगा, पूरा हाथ डाल के ऐसे ऐसे करना पड़ेगा, तब जाके उसको थोड़ा एहसास होगा कि हाँ भाई मेरी गांड में कुछ घुसा है। देख तू अपना भाई है यार, समझा, मैं चाहता नहीं कि बेकार में सब लोग मिलके तेरी बजाए। अरे लेकिन मैं कहा भाई देख, मैं ऑस्टिन भी अपना भाई है, भाई नहीं है वो मेरा, मतलब के मेरे चाचा से भी बड़ा लग रहा है वो, मतलब तू मुझे अच्छा। ये बता, इंडिया में इतनी गर्मी हो रही है मेरे भाई, हाँ। मतलब के लोग इंडिया में गर्मी से बहनचोद इतने तर बदर हो रहे हैं, ये ऑस्टिन हाँ। इतनी गर्मी में सांस कैसे लेता है, मतलब सांस आती है उसको इतनी गर्मी में, क्योंकि उसके पास हॉट और लड़की है ना भाई, समझ रहे, तेरे पास नहीं है ना। किसके पास? ऑस्टिन के पास खतरनाक लड़की है भाई। तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, मैं वही तो बोल रहा हूँ कि वो खुद हक्का बक्का बौचक्का हो गया है कि इतने गंदे आदमी के साथ। बता रहा परोड़ी, परोड़ी तू अपनी गर्लफ्रेंड को संभाल ले भाई, कि तेरी गर्लफ्रेंड भी निकल जाए उसके पास। है ही नहीं, मैं तो नल्ला हूँ, बेरोजगार हूँ, मैं तो वेल्ला हूँ। हाँ यार तू
कभी तेलका के गाड़ में उंगली करे, कभी तू वो क्या नाम है उसका ऑस्टिन के इसमें करे, कभी तू चिकन लेग पीस को बोले, फिर बाद में तू अभी अरमान मलिक को बोले। यार परोड़ी क्या चल रहा है भाई तेरा, समझ में नहीं आ रहा है मुझे। अरे अरमान मलिक तो साले रेपिस्ट है, ऑस्टिन तो उससे अच्छा है। चल मैं मानता हूँ कि ऑस्टिन बदबूदार है, ऑस्टिन का गला नहीं है वो, मतलब के मैं ये भी मानता हूँ, सुअर का चमड़ा है वो। कभी तू मेरे बारे में बोले। हाँ भाई चल ऑस्टिन में मानता हूँ कि अच्छा इंसान है वो, मतलब के वो लोगों की हेल्प करता है, मतलब के लड़कियों के साथ वो रील बनाता है वो, मैं ये भी मानता हूँ कि भाई एक मिनट रुक, ये फ्लाइट को निकल जाने दे। हाँ मैं चल मैं सारी बातें मैं मानता हूँ, लेकिन चल भाई तेरे दिल पे हाथ रख के बोल, तू तेरे दिल पे हाथ रख के बोल के तुझे भी कभी ख्याल नहीं आया कि इतना सुअर जैसा इंसान जो 500 किलो का है, जिसका हाथ अपनी गांठ तक नहीं पहुंचता, ठीक है, वो बंदे के साथ लड़कियां रील बना रही है। मुझे तो दो लड़कियों ने, मुझे तो मैं बताऊं लड़कियों का नाम, बता नाम बोलूं ना क्या उनका, मुझे उन लड़कियों ने ये बोला, वो लड़कियों ने ये बोला कि ये तो पनौड़ी जी हमने फेम के चक्कर में रील बनाई, वरना इतना बदबूदार इंसान है वो, कि जब उसने हमें ऐसे मतलब ऐसे करके हक किया ना उसने, तो बहन जो दो दिन तक तो उसकी बदबू ही नहीं गई हमारे शरीर में से, सोच। मगर यार खुद भी पनौड़ी उसके पास ना भाई लड़की है भाई, तेरे पास नहीं है तो इसे तू मुठ मारता है। अरे भाई ये बात तू मानता है ना? अरे मैं तो मुठ मारने की तो आई विश के मैं मुठ मार सकता, मेरा तो खड़ा ही नहीं होता। आई होप के मैं मुठ मारता, मेरा तो वो भी सिस्टम बंद है। लेकिन हाँ। मैं तो भाई तू सच बता, तेरे दिल से बता, अब तू लंगड़े को लंगड़ा नहीं बोलेगा? नहीं, लंगड़ा को लंगड़ा ही बोलूंगा मैं। हाँ तो फिर ये ऑस्टिन को तू सुअर नहीं बोलेगा? अरे कैसा भाई, उसका ही चल रहा है भाई आजकल, वही लड़कियां मचा रहा है भाई। अरे वो धूम मचा रहा है। एक बात बता, चल कुछ भी हो, वो सुअर हो या कुछ भी हो, ठीक है, मगर ये बात तो तुम मौने की भाई, उसका उसके पास सिस्टम चाल है उसका भाई, उसके पास लड़कियां भर भर के आवे। अरे भाई उसका सिस्टम चाल है उसका, जो भी चलता होगा, लेकिन तू ये बात मौने के नहीं मौने के, वो बंदा बदबूदार है। अरे बदबूदार हो कुछ भी हो, बट भाई लड़कियां तो आवे ना भाई उसके पास। अरे मैं तो बोलता हूँ, तो मैं तुझे एग्जैक्टली यही तो बोल रहा हूँ कि भाई अगर वो अच्छा दिखता तो मैं उसको बोलता कि नहीं भाई, भाई तुम बहुत ही हैंडसम है, ठीक है। अब तू मुझे ये बता, वो बंदा इतना गंदा दिखता है, ठीक है, तो मैं गंदे को गंदा ही बोलूंगा यार? अबे तो तेरा भी तो कौन सा शक्ल अच्छा है, तेरे भी शक्ल पे पूरे झाटके बाल लगे पड़े साले। अब तू मेरी शक्ल ऑस्टिन से तो मैं खूबसूरत हूँ? नहीं कौन बोला, तेरे पास लड़कियां है? अगर तू ऑस्टिन से खूबसूरत है तो लड़कियां दिखा के लेके, पूरे इंस्टाग्राम को पता है कि मैं गे हूँ, पूरे इंस्टाग्राम को पता है मेरे पास क्यों आएगी लड़की, या बता, मेरे पास तो लड़के आते हैं। तो ते वो कुल्फा करो कुल्फा। एक मिनट रुक जा, ये कौन आया है? ये राहुल आया है यहाँ पे लाइव पे? भाई तू साले रेपिस्ट का सपोर्ट कर रहा है, तुझे शर्म आनी चाहिए। वो अरमान मलिक ने 11 साल की लड़की का रेप किया और तू यहाँ पे बड़ी बड़ी बातें कर रहा है कि कभी अरमान के, अरे साले पूरे इंडिया अरमान के पीछे लगा हुआ है कि वो कुत्ते को भैंसों फांसी दो, कुत्ते को फांसी दो, तुझे पता नहीं है क्या? मेरी एक बात बता, तेरी शादी क्यों नहीं हो रही? क्या हुआ? मैं कह रहा हूँ तेरी शादी क्यों नहीं हो रही? तो मैं तो गे हूँ ना, तो मेरे से कौन शादी करेगा? आप गए हो, तू करेगा शादी मेरे से? बता कांड कांड खेलेगा मेरे साथ? अरे मैं वही तो बोल रहा हूँ कि मेरे साथ शादी करेगा तू? अरे मैं तो कह रहा हूँ मेरे साथ कांड कांड खेलेगा? नहीं भाई, क्योंकि अभी तो तूने वेट भी कम कर लिया है तो अच्छा दिखता है, तेरी लुल्ली पहुँचेगी मेरी गांड तक, पहले तो तेरी लुल्ली के ऊपर तेरा पेट आ जाता था, अब नहीं आएगा वो तेरा पेट। तो क्या तुम मुझसे सादा करोगे राहुल शर्मा? इसका आ जाएगा किसका? अरे नहीं नहीं इसके पास तो बथेरी लड़कियां है इसके पास तो। फिर कैसे करा जाए?
भाई मुझे तो ये बता, मेरी मेरी शादी का और ये अरमान मलिक की बात का क्या कनेक्शन क्या है, तू मुझे ये बता। मैं तेरे से ये पूछना चाहता हूँ, अरमान मलिक को तू बोला जा रहा है कि उन्होंने 11 साल की लड़की के साथ रेप कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। यार वो तो तेरे साथ भी लागू होता है ऐसे, तूने भी कहा कि सही बात है, सही बात तो ये बात तो सही बात है। क्या हुआ यार, वो तो तेरे साथ भी लागू होता है। मैंने किस लड़की का रेप किया? यार तेरे साथ भी किसी का नाम जुड़ा था, तू खुद जानता है। मेरे साथ किस लड़की का नाम जुड़ा था जिसका मैंने रेप कर दिया? और मेरे पे कौन सा कोर्ट केस चल रहा है जो मैं किसी का रेप करूंगा, बता। अरे थोड़ी देर और रुक जा प्रियंक, तेरे साथ उसका जिसके साथ रेप चल रहा है तेरे पास सबूत है कुछ? अरे 5 अगस्त को उसकी कोर्ट में पेशी है, पूरे इंडिया को पता है, तुझे नहीं पता है क्या? उसने खुद बोला है कि मैंने 11 साल की बेटी बच्ची का सॉरी रेप किया था। तुझे इतना भाई मतलब के पूरे इंडिया में बातें चल रही है, पूरे इंडिया को पता है। अब तू ये मत बता के मुझे पता ही नहीं था, ये मत बोलियो। अच्छा तेरे को क्या मतलब है, इंडिया वालों की गांड मार रहा है तू, बाकी अमेरिका के क्यों बंदे की मानी चोता? इंडिया वालों की गांड मार रहा है भाई, मैं तो सुन, वहाँ पे लविश है, तेरे पास वहाँ पे रुक जा, ओए रुक जा, तेरे पास लविश है वहाँ पे, तेरे पास पारस है, तेरे पास वो। हाँ तो भाई वो लोग किस भाई, सुन ले फालतू की बातें मत करियो, ठीक है? अगर वो लोग कोई गलत करेंगे, अगर वो लोग कोई ऐसा काम करेंगे, भाई मैं नहीं, कोई सपोर्ट नहीं करेगा। एक मिनट ये फ्लाइट निकलने दे। तेरे पास वो सैम का सुन ले, भाई तू मुझे ये बता, मतलब तू मुझे ये बता कि जब तेरी कॉलोनी में, तेरी गीता कॉलोनी में वो 3-4 साल की लड़की का जब रेप हुआ था भाई, उस दिन तो तू बहुत उछल रहा था। तो मैं उछला गया? अब तू मेरी बात को सुनना, तू अब मेरे एक बात बता। अब वो जिससे तेरा लविश यूं कह रहा था कि मैं प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ, अब उसकी फिल्म आ गई, वो तो देखी नहीं तूने? भाई तू कहाँ की बात कहाँ मिला रहे, मतलब तू तेरा सटका, तू पागल है क्या? तू पागल है क्या? यहाँ पे बात रेप की हो रही है, तू वहाँ पे लवेश की पिक्चर आ गई, वो आ गई। अरे भाई उसने तो अपनी अरे भाई उसने तो तू लोगों के बच्चों के लिए बोलेगा, बेटियों के लिए बोलेगा, परिवार के लिए, नाम तो तेरा भी आया है ऐसे, तो तेरा भी नाम है रेप में। मैंने भाई सुन, मैंने तो बोला है, समझा? मैंने तो बोला है, उसने तो कर दिया है 11 साल की लड़की के साथ, बेंचो एवरी डे उसके घर पे रख के ड्रग के इंजेक्शन, उसको बेंचो उसकी उसको ड्रग्स के इंजेक्शन दे देकर भाई, ऐसी अरमान के लिए कोई डेट नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। अरमान मेरी रिंग जाके देख ले, मेरी रिंग बात होती है भाई। सुन अगर तू उसका सपोर्ट कर, वो कूड़े कचरे से लौड़ा बात करेगा तू, वो कूड़े कचरे से माधरचोद ने 1000 लोगों को लूटा, उसकी बीवी पता है कहाँ पे चुप्पा लगाती थी, वो दिल्ली में, उसकी जो पायल नाम की जो रंडी है वो कहाँ पे चुप्पे लगाती थी, मसाज सेंटरों में चुप्पे लगाती थी वो। मेरी बात सुन, आज वो वायरल है तो आज तू उसके लिए कॉन्ट्रोवर्सी? नहीं नहीं वायरल की बात ही नहीं, ऐसे तो मेरे भाऊ भी वायरल है। सुनो कान में धुआं, अरे भोसड़ी की वो, अरे साले तू मुझे ये बता, तू मुझे ये बता सुन, ऐसे तो भाऊ ने बोला, और रुक जा प्रियंक, ऐसे तो सिन्हा गिल को भाऊ ने बोला तू दोगली है, आज वो कहाँ पे है, कार है भाऊ, उसकी जगह कुछ भी नहीं है। सुन देख, वो सहनाज गिल हो चाहे भाऊ हो चाहे फिर वो माधरचोद, कोई भी सेलिब्रिटी हो चाहे कोई भी सोशल मीडिया का सबसे बड़ा, सुन मेरी बात सुन, मेरी अरे कोई घंटे, अच्छा फेक न्यूज है इसलिए वो माधरचोद ने, अरे लेकिन अरे इसलिए, अरे साले उसने इसीलिए अपनी खुद की इंटरव्यू में बोला, वो उसकी उसकी बेंच और वकील ने उसको पूछा, अरे उसकी वकील ने उसको पूछा कि वो 11 साल की लड़की का रेप किया, उसने खुद बोला कि कोर्ट में मामला है, झूठ है तो वो खुद अपने, ओहो तो वो खुद अपने मुंह से झूठ बोल रहा है, अच्छा तो वो खुद अपने आप को ही रेपिस्ट साबित कर रहा है वो।
मैं कह रहा हूँ मैं अरमान को लाइव ले लेता तेरे साथ अभी। अरे लाउड, अरे उसकी औकात नहीं है महादेव चौथ को। एक मिनट एक ओम गो बॉडी के यूट्यूबर रुक जा, सुन एक बात सुन। अगर तेरी गांड में दम है ना राहुल शर्मा, यहाँ 1600 लोग के सामने प्रॉमिस कर दे कि कल उसको तू है ना मेरे सामने लाइव पे लाके बिठाएगा। सुन मेरी बात सुन, देन तू बोल। उसके बाद मैंने उसको जो भी क्वेश्चन पूछे ना भाई, उसने उसके सारे जवाब दिए। सुन ले मेरी, नहीं नहीं तेरी सिस्टर के साथ तेरे को बोला गया लोगों ने। अरे मेरी सिस्टर के साथ बोल, सुन मेरी सिस्टर के साथ बोला गया भाई, मेरी माँ के साथ तुम लोग बोल दो। उसने तो खुद अपने इंटरव्यू में बोला है और वो फोन वो केस बंदा था, वो फेक बंदा था, झूठ है। अच्छा अरमान मेरा लाइव वीडियो ओहो लाइव पे आके अरमान ने माधर चौधरी ने खुद बोला और वो फेक बंदा था। ओ भाइयों जितने बंदे आप देख रहे हो ये सब झूठ बातें हैं यहाँ पे, मैं आपको अच्छा 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 ये ऐसी कोई बात नहीं है अरमान के। अगर सुनो और सुनो मेरी बात सारे 1600-1700 लोग देख रहे हो, अगर अरमान के साथ ऐसा होता तो वो जेल जाता। जेल तो नहीं गया, अरे साले वो बेल पे बाहर है, बेल के ऊपर वो बाहर है, वो रंडवा समझे। अरे लेकिन तेरे अरमान को पूछ ले ना तू, तेरे अरमान को पूछ ले तू। अरे तेरी एक काम कर मेरी बात सुन, तेरा भाई है ना वो, तो तेरे रेपिस भाई को कल मेरे साथ लाइव पे लेके माधर चौथ का गांड खोल के रख दूंगा। भाई मेरी बात सुन, वो नहीं पाते क्यों लोग क्यों तेरे। अरे मेरा लंड 17,000 लोग आते हैं, मेरा लौड़ा 17,000 लोग आते हैं, समझा 17,000 लोग आते हैं, दिखा कौन से 17,000 लोग आते हैं। अरे चल मैं बोलता हूँ भाई, उसकी सुन, उसकी लाइव पे 2,00,000 सुन, उसकी लाइव पे 2,00,000 लोग आते हैं, उसकी लाइव पे 2,00,000 लोग आते हैं, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। चल उसकी लाइव पे सुनना, मैं आ जाऊंगा उसकी लाइव पे। आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आपकी लाइफ पे हाईएस्ट 10,000 बंदे आते हैं, उसकी लाइफ पे 25,000 लोग आते हैं। भाई उसकी लाइफ पे 2,00,000 लोग आए, उसकी लाइफ पे 5,00,000 लोग आए। भाई तुम्हारी लाइफ पे 200 लोग आते हैं, मेरी लाइफ पे 1,800 लोग आते हैं राहुल शर्मा। बताओ ये सब झूठी बातें हैं साले। नीचे सब लोग तुझे दोगला लिख रहे हैं, नीचे कमेंट पढ़ ले, सब लोग तुझे दोगला लिख रहे हैं नीचे, समझा। ये नीचे पढ़ तू, लोग क्या लिख रहे हैं। एक बात मेरी बात को समझाओ सारे भाई, समझा। इंडिया का कानून, दिल्ली का कानून और हरियाणा का कानून इतना चूती है कि अगर वो गंदा करेगा और इसको छोड़ देगा अरमान मलिक को। अरे उसने खुद बोला, अरे उसने इंडिया को टारगेट क्यों करता है यार। अरे इंडिया की बात ही नहीं है, इंडिया को टारगेट करने की बात ही नहीं। अरे जो गलत है वो गलत है, उसमें इंडिया हो चाहे अमेरिका हो चाहे कुछ भी हो, तू अभी रेपिस को सपोर्ट कर रहा है। सच बता तू रेपिस को सपोर्ट कर रहा है, रेपिस है नहीं वो। अच्छा सुन, तेरी बेटी के साथ अगर कल रेप हो जाएगा, तेरी बेटी के साथ रेप हो जाएगा तो तू उसको भी सपोर्ट करेगा क्या बता। रेपिस्ट बोला गया ऐसे तो। अरे तो मेरा कोर्ट केस दिखाना, उसका कोर्ट केस दिखाना। अरे उसने खुद बोला है कि मैं बेल पे बाहर हूँ। उसका नीता उसकी वो डबल वो भाई ओ प्रैंक। हाँ भाई हाँ भाई आवाज साले, सारी चीजें गूगल पे है, लोगों ने उसके केस की फाइलें वाइलें सब खोल के रख लिया, FIR की नकल रख, उसकी FIR की कॉपी रख के देख, और तू बोल रहा है कि सब झूठ बोल रहे हैं। अरमान मलिक ऐसा बंदा नहीं है, मैं अरमान मलिक को पर्सनली जानता हूँ, अरमान मलिक बहुत अच्छा आदमी है। अच्छा सुन भाई, देखो भाई देखो, तो यही चीज होती है, ये रेपिस लोगों को है ना, यही समाज के लोग, रेपिस लोगों को यही समाज के लोग, बैंक और यही समाज के लोग सपोर्ट करते हैं, समझा। ऐसे रेपिस लोगों को ऐसे ही लोग समाज के ऐसे ही लोग भी सपोर्ट करते हैं कि भाई तू आगे बढ़, तूने एक रेप किया है ना, अब दूसरा भी रेप करियो, हम लोग तेरे साथ है। ऐसे ही लोग देखो भाई, तुम बोलते हो ना इंडिया में रेप क्यों होते हैं, देखो भाई ये देखो ऐसे राक्षस लोग, ये राक्षस लोग रेपिस को सपोर्ट कर रहे, देखो भाई ऐसे राक्षस लोग बोल रहे। तू ऐसे तो शेखर चहला, तू ही सपोर्ट, तू ही सपोर्ट करे साले, FIR की कॉपी, सारी चीजें लोगों के सामने है, और तू बोल रहा है कि उसने कुछ नहीं किया, तू बोल रहा है कि उसने कुछ नहीं किया, FIR की कॉपी तक सुन। अरे वो 11 साल की लड़की का स्टेटमेंट तक पुलिस ने दिखा दिया और तू बोल रहा है कि कुछ नहीं किया, तो लेके आना, तो तू लेके आना, तो सुन
भाई तो उसकी गांड क्यों फटती है माथे लोड़े की? मादरचोद ने मुझे ब्लॉक क्यों कर दिया बता? ब्लॉक इसलिए करते तू गंदा बोलता है बात करके। अरे गंदा नहीं, मैं तो सच्ची बोलता हूँ ना भाई। जब सच्चाई सुन, जब सच्चाई सुनता है ना बंदा तो ब्लॉक ही करके भाग जाता है, समझा? ना बंदा ब्लॉक ही करता है। अब तू मेरे को एक बात बता ना, जब शेखर गंदा है तो वो हिंदुत्व का झंडा उठाता है, तू उसे गालियां बकता है, तू हिंदुओं को गाली शेखर बकता है। अरे शेखर चहल को मैंने किस मैटर में गाली दी भाई? मैंने कब उसको बोला कि भाई तू इंडिया का झंडा उठा दे मैं तुझे गाली दूंगा? बेटा ऐसा नहीं होता, पनोड़ी तो कैसा होता है? तू साले रेपिस को सपोर्ट करता है और तू यहाँ पे बड़ी बड़ी बातें करता है। तू ये बता, तू यहाँ पे रेपिस को सपोर्ट कर रहा है, नीचे सब लोग तुझे गालियाँ लिख रहे हैं और तू बोल रहा है क्यों? कब तेरी गांड क्यों फट गई है? साले रेपिस को सपोर्ट करेगा तू? तुझे कितनी गंदी गंदी बकते हैं। अरे लेकिन यहाँ पे तू देखना, सबको पता है, सबको पता है यहाँ पे कि उसने हरामी ने क्या किया है। वो FIR की कॉपी तक लोगों ने पढ़ी हुई है, वो 11 साल की लड़की का स्टेटमेंट तक लोगों को पता है। भाई बाबा को ऐड करो, बाबा को ऐड करो, बाबा को गिरा बाबा को ऐड करो। अगर उसकी कोई बात हो तो मुझे बताना, ऐसा कुछ नहीं है। अरे तेरा तो दोस्त है ना, तूने खुद बोला कि तेरा दोस्त है वो। मेरा भाई है, दोस्त नहीं है, भाई है। अच्छा तो तेरा भाई रेपिस्ट है? रेपिस्ट तो तेरे को भी बोला गया, रेपिस्ट। अरे लेकिन तो प्रूफ दिखाना, तू इसके जो प्रूफ दिखाते हैं उससे ही मांग लेना। अरे उससे ही मांग ले, एक मिनट दिखाता हूँ मैं प्रूफ, दिखाता हूँ, रुक जा दिखाता हूँ तुझे प्रूफ में, रुक जा दिखाता हूँ, रुक जा दिखाता हूँ मैं, वो लड़की को ऐड करता हूँ मैं, रुक जा। हाँ तू तो भगवान, रुक तुझे दिखाता हूँ, रुक 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 तुझे दिखाता हूँ। भगवान के बारे में यूँ बोल रहा है कि बांसुरी ये वो बना देंगे। अरे रुकना, ये सुन अब भाई, इसकी FIR की कॉपी है ना जो आपके पास? जी सर, हेलो। ये सारी चीजें ये राहुल शर्मा को आप सेंड कर देना, वो 11 साल की लड़की का जो स्टेटमेंट है। लाइव पे दिखाओ, यहीं पे लाइव पे दिखाओ मैडम। अरे इसने तो अपनी स्टोर, अरे सबके पास है भाई सारी चीजें, तुझे चाहिए ना? अरे तुझे चाहिए ना? तुझे चाहिए, अरे तुझे चाहिए ना? तुझे चाहिए सारी चीजें? नहीं मेरे को नहीं चाहिए। सोशल मीडिया पे इनकी शक्ल दिखाओ, जो ये ब्लॉक करके आई है इनकी शक्ल दिखाओ। आप भाई क्यों दिखाए वो शक्ल? तो जाकर देख ले, वहाँ पे मैंने डाली भी वीडियो। वैसे मैं यहाँ शक्ल क्यों दिखाऊँ? यहाँ पे जिस बारे में बात हो रही है सर, उस बारे में बात कीजिए ना। क्या मैडम क्यों झूठ बोले? अरे लेकिन शक्ल दिखाने से क्या मतलब है? शक्ल दिखाने से क्या मतलब है ये तो बता प्लीज। अरे तू ये बता, शक्ल से क्या मतलब है? अरे मैडम आप शक्ल तो दिखाओ सोशल मीडिया पे लोगों को पता। अरे तू मुझे ये बता। चल एक काम कर। सुन आप किसी पत्नी के लिए बोलियो, प्लीज शक्ल तो दिखाओ, किसी की बेटी के लिए। आप एक काम कीजिए, किसकी बेटी के लिए मैंने बोला पहले मुझे वो बताइएगा। लड़की के साथ सर रेप करके अगर कोई इस तरह से घूम रहा है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनके, तो आपको सोचिए। इवन उसने तो अपनी शादी और पिछले दो बच्चे भी छुपा के रखे सर, उसकी मर्जी। अपना कोई कंटेंट बनाते हो ना, अभी जैसे यहाँ पर पनोड़ी सर लाइव है ना, यहाँ से ये इनको पैसे नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर आप वीडियो बना के सर यूट्यूब पे डालते हो ना, सर अच्छी चीज पे शक्ल दिखाओ। शक्ल से क्या, तू बात सुनना। ऐसे 36 बंदे लाइव पे लेके आ जाओ। अरे कौन से 36 बंदे, कौन से 36 बंदे? उनकी शक्ल तो दिखा जा कल को पता। अरे अरे शक्ल से क्या है, शक्ल से क्या है ये सारी? अरे लेकिन ये सारी चीजें तो कब से चल रही है? पॉइंट बता रही हूँ, आप सुन नहीं रहे पनोड़ी सर। एक्चुअली बात ये है ना, तुम बोलो सुनना नहीं चाह रहे होते सर, टाइम सुनना नहीं चाह रहे होते। बात ये है जब आप मैं निकलो ब्रांच स्टार दो पॉडी पे, ये पनोड़ी है, मैं राहुल शर्मा, भगा दिया। अरे नहीं नहीं वो प्रैंक स्टार को भगाया, मैं दूसरे किसी को ऐड करता हूँ ना, रुक जा तू। यार ये कोई बात थोड़ी सर, ये नितिन शर्मा स्वाति ज्वाइन करना चाह रहे हैं, ऐसे थोड़ी होता है यार। अरे ऐसे कैसे थोड़ी होता है यार, 11 साल की लड़की का रेप कर दिया, ऐसे थोड़े कैसे होता है यार। शक्ल तो दिखाओ जो रेप का
इल्जाम लगा रही है, रेप कर दिया गया 11 साल की लड़की का, ऐसे कैसे होता है बताओ। एक काम कर, बोल इसको, बोल इसको, बोल इसको, बोल एक काम कर, कब से बोल रहा है, एक मिनट एक मिनट, इसको इसको बोल के शकल दिखाओ, एक मिनट, मैंने ऐड किया है किसी को, इसको बोल तू शकल दिखाओ, बहुत उछल रहा है ना तू शकल, अब बता बाबा, अब बता, आप बता शकल दिखा, तो करता ही नहीं है किसी को, आप बता ना, अरे आप बता, नू बता, आप बता, क्यों चलप क्यों रहा है, चलप क्यों रहा है, अब बता शकल दिखा, चलप क्यों रहा है, गाली क्यों दे रहा है फिर, अब बता शकल दिखा, बोल पनोड़ी भाई, आप खिलाड़ी आदमी हो, आप खिलाड़ी आदमी हो पनोड़ी भाई, बाबा गलत बात है, आप खिलाड़ी आदमी हो, बाबा गलत बात है, अरे नहीं नहीं दिखा, अब बोलना क्या शकल दिखा, रेस्ट एंड पीस हो जाएगा तेरा आईडी, बाबा तुम तो शकल दिखाते ही नहीं, तो ये भी नहीं दिखा दी लड़की शकल, अरे ये तो कभी नहीं दिखा, तो अरे क्या हुआ, अरे क्या हुआ भाई, बहुत सारे लोग हैं जो अपनी शकल नहीं दिखाते, भाई ये भी बंदा नहीं दिखाता तो ये भी बंदी नहीं दिखाती, अब बोलना क्या बोल शकल दिखा, मैं आपको कुछ क्लैरिटी देता हूँ राहुल भाई, सुन पहले पहले मैं आपको कुछ क्लैरिटी देता हूँ राहुल भाई, राहुल भाई, राहुल शर्मा, मैं ये चाहता हूँ राहुल शर्मा, ये चाहता हूँ मैं कि एक बार आप ऐसा बोलो कि बाबा शकल दिखाओ वरना तुम भी फेक हो, ये लाइन बोल के दिखा, चल बाबा, नहीं 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 ये लाइन बोल के दिखा, मुझे सुननी है, व्यूअर्स को सुननी है, ये बोल के बाबा इतने साल से तुम लाइव पे आते हो अपनी शक्ल नहीं दिखाते हो, तुम एक फेक बंदे हो तुम, अरे मेरे दांत बहुत गंदे, चाट के साफ कर दे ना, तो चाट के साफ कर दे, चाट के साफ कर दे तू, बाबा को ये बोल, बाबा को ये बोल के बाबा तुम अपनी शक्ल नहीं दिखाते हो तो शक्ल दिखाओ वरना तुम भी एक फेक बंदे हो, बोल के दिखा, बाबा एक बात बता, ये लेडी पहली बार आई, नहीं नहीं मैं आपको पहले कुछ क्लैरिटी देता हूँ, YouTube में आप जाइए, इन लोगों के चैनल में इन लोगों ने फेस दिखा के लाइव कंडक्ट की है, ये Instagram में फेस नहीं दिखाते अपना, पर YouTube में इन्होंने अपना फेस दिखाया है और वहां पे बिल्कुल प्रूफ के साथ बात किया है, करेक्ट, और एक मिनट सर मैं ये भी बताऊंगी जो अभी, अच्छा, ये है क्या, ऐड है क्या ये लड़की, मेरे को तो अभी दिख भी नहीं रही है यहाँ पे कोई आईडी, हाँ मैं यहाँ पे हूँ सर, मैं हूँ, एम आई ऑडिबल, हाँ 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 बिल्कुल, अब आ जाइए, आपके पास कोई सबूत है तो प्लीज मुझे भेजिएगा जरूर, आप अपने ई कोर्ट का एप्लीकेशन खोलकर वहाँ पे FIR का नंबर डाल लें, अपने गवर्नमेंट पे और अपने कोर्ट्स पे तो ट्रस्ट है ना, आप ई कोर्ट पे ऑनलाइन सर्च कर लीजिए, मतलब कैसे सर, मैं FIR नंबर, और जब आपको FIR का नंबर दिया जाएगा तो वो ऑनलाइन पोर्टल में आप जब डालोगे उस FIR नंबर को तो आपको पता चल जाएगा कि ये केस किस रजिस्टर, मतलब कौन से रजिस्टर, मतलब उसकी आपको पूरी डेट मिल जाएगी, अभी 5th अगस्त को नेक्स्ट करेंगे वो भी मिल जाएगा आपको, एक बार प्लीज आप मेरे को DM में भेज सकती हैं, आप क्या भेज सर, आपको मैं अरमान से खुद पूछूंगा, आप एक बार मेरे को भेज सकती हैं, मैं भेज दूंगी सर, नो प्रॉब्लम, मैं भेज दूंगी, और अभी इवन अगर पनोडी सर, अगर आपके पास ऐड है पनोडी सर, ये कोई भी भेज देगा, मैं भेज दूंगी, नो प्रॉब्लम, लेकिन एक चीज देखो सर, आपने बोला सर, एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगी, देखो आप ऑब्वियसली यू मस्ट बी बिलोंग फ्रॉम एजुकेटेड और एक गुड फैमिली से आप बिलोंग करते होगे, देखो आप जब यूट्यूब के ऊपर कोई कंटेंट बना के डालते हो ना, अपनी डेली लाइफ व्लॉगिंग दिखा रहे होते हो, उसको आप एक तरह यूट्यूब पे लगा के जब मोनेटाइज कर देते हो, एड्स लगा देते हो, तो इसका मतलब ये हो जाता है सर कि आपने वो कंटेंट पब्लिक को भेज दिया, पब्लिक को राइट होता है सर आपसे सवाल करने का, भी आप इंस्टाग्राम पे बैठे हो ना, आप एक बार मेरे को भेजो तो सही प्लीज, मैं सर करूंगा आपसे, मैं लाइव की अभी मैं भेज दूंगी आपको, मेरे पास आप ऐड नहीं, इवन मुझे तो आपकी आईडी भी नहीं पता, पर मैं आपको ये बात कर रही हूँ, जब आप पब्लिक के सामने इन्फ्लुएंसर बनते हो ना, तो फिर आपको देखो लोगों का सवाल करने का राइट बनता है, अभी आप इंस्टाग्राम पे है ना, आपसे कोई सवाल नहीं कर सकता, क्योंकि आप यहाँ पैसे नहीं कमाने आए, पनोटी सर से कोई सवाल नहीं और मैं आपको बिल्कुल भेजूंगी सर, अगर आपके पास ये ऐड है तो आप इनको भेज दीजिएगा वो FIR की कॉपी, या मुझे इनकी आईडी बता दें, मैं इनको पर्सनली भेज दूंगी, कोई मसला नहीं है, लेकिन सर ऐसा है ना कि देखो बहन बेटियां बच्चे सबके घर में होते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम किसी के कमजोर के साथ गलत सुनकर देखकर भी जो है ना अपनी आंखें और कान बंद नहीं कर सकते हैं सर, ये सोच करके जहां तक मुझे नॉलेज है कि जब रेप का केस रजिस्टर होता है तो लड़की का मेडिकल भी किया जाता है, क्यों मैडम ऐसा हुआ था, लड़की का मेडिकल हुआ था कि नहीं हुआ था,
सर एग्जैक्टली पोक्सो जो होता है ना, जो ठीक पोक्सो है, एक्ट तो होता है, वो वही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ऐसे एलिगेशन, रेप के एलिगेशन बहुत संगीन होते हैं, वो ऐसे कोई नहीं लगाया जा सकता। 5 अगस्त को उसकी हेयरिंग है सर, एलिगेशन नहीं है। 5 अगस्त को उसने फिर जाना है। ये चीजें अब तो इस हद तक फैल चुकी हैं, और इवन 11 साल की जो जिस लड़की के लिए हम लोग अभी आवाज उठा रहे हैं ना, वो संस्था के थ्रू अपना केस लड़ रही है सर। उसको तारीख पे तारीख मिल रही है, इसको डेट पे डेट मिल जा रही है। ऐसे हम लोग पब्लिक में आए ना चीजें। अरे सिस्टर मेरी बात सुनोगे? जी जी जी। आपको इंडिया में पता होगा, बाबा भाई आपको भी पता होगा, अगर पोस्को कहीं पे भी लगता है तो अरेस्ट होता है बंदा। सर दिस इज व्हाट एक्चुअली वी आर पॉइंटिंग ना, यही तो हमारा सवाल है कि पोक्सो एक्ट इतना सीरियस एक्ट है और ये पैसे देकर बेल पर बाहर घूम रहा है। और पैसे देकर नहीं होता सर, ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ। आप 5 अगस्त को देखो ना, सबसे बड़ी चीज ये लाइफ राहुल भाई, राहुल शर्मा जी 5 अगस्त को पता चलेगा ये बात। अभी इंडिया में इतने जोरों शोरों से पता चलेगा, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। लेकिन मेरी बात सुन, पनौड़ी मेरी बात को सुन, इनको पेपर भेजिए। तूने जेल नहीं काटी, तू बातें बनाता कि मैं ये हूँ बंद। अरे नहीं कमा रहे ना सर, मैं यहाँ पे जवाब दूंगी। देखिए वो इंस्टाग्राम पे है, वो यूट्यूब पे नहीं पैसे कमा रहे। केस रजिस्टर्ड होता है तो जेल जाता है बंदा। जी बिल्कुल जेल जाता है, 100% जेल गया है, जेल जाता है, बिल्कुल जेल गया है। सर पोक्सो के अंदर जेल भी गया था और जेल से बाहर घूम रहा है, तभी तो यही तो सवाल है। और एक और चीज मैं आपको बता दूं, आपने भी पेपर भेजने का कहा ना कि मैं आपको पेपर भेजूं, आपसे मैं एक और सवाल करूंगी। अभी जैसे यूट्यूब के ऊपर लाइव होते हैं तो हमारे लाइव के ऊपर सिर्फ लड़कियां होती है। ये आदमी अभी भी नहीं सुधर रहा, इसने लाइव पे आके बोला कि लड़कियों मुझे रेट बताओ, सब अपने रेट बताओ मुझे, क्या रेट है तुम्हारे, गंदी गंदी गालियां दी गई, अभी भी नहीं सुधर रहा। मतलब सिर्फ बच्ची की एक जगह पे बात आके नहीं रुक जाती। मल्टीपल मैरिजेस, आप ये बताओ सर, मल्टीपल मैरिजेस और पॉलीगेमी को सपोर्ट करते हो? पॉलीगेमी को सपोर्ट करोगे? पॉलीगेमी को सपोर्ट करते हो सर आप? मल्टीपल मैरिजेस को सपोर्ट करते हो? क्या इन्फ्लुएंसर है, क्या मैसेज दे रहा है, आप मुझे बताइए ना। देखो इंडियन होने के नाते आप मुझे बताओ, आपके भी घर में जाहिर है परिवार फैमिली होगी ना, पॉलीगेमी को मल्टीपल मैरिजेस को सपोर्ट करोगे सर आप? इंडिया के अंदर पोस्को जिसपे लगती है उसकी 90 दिन से पहले जमानत नहीं होती। तो वो 3 महीने जेल काट कर आया है। आप ये चीखने से पहले पहले एक दफा FIR देखो और जाकर करो। आप शक्ल तो दिखाओ। नहीं सर, अब आप फिर शक्ल पे मत आओ, आप FIR की कॉपी देखो। भाई एक काम करो इसको है ना, अरे उसको सारी सुन सुन सुन, कुछ भी कुछ भी कुछ भी कुछ भी की बात ही नहीं है। बाबा एक बात बताओ मुझे, बाबा तुम पढ़े लिखे बंदे हो, एक बात बताओ, इंडिया के अंदर पोस्को लगती है 90 दिन बंदा जेल में रहता है? हाँ तो वो जाके तो आया 90 दिन। लगा था ब्रिज भूषण पर भी लगा था, लेकिन वो गिरफ्तार भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? तू कह रहा है पनौड़ी फिल्म चूतिया नीचे नीचे। मैं ब्रिज भूषण की बात कर रही हूँ, मैं अभी अरमान मलिक की बात नहीं कर रही। आप पहले सुनो, इतना ज्यादा अग्रेसिव मत हो, यहाँ पे एक नॉर्मल बात हो रही है ना, आप आराम से ही बात करो और आराम से जवाब दो। मैं आराम से आपसे लड़ नहीं रहा सिस्टर, मैं लड़ नहीं रहा आपसे, मैं आपसे पूछो पूछो। राहुल शर्मा जी आपको सवाल पूछने का बहुत अधिकार है, आप पूछो। पोस्को के अंदर क्या होता है, जैसे पोस्को एक्ट लगता है दिल्ली के अंदर, इंडिया के अंदर तो मैं यही तो क्लियर करना चाहता हूँ आपको कि इन लोगों ने ये जो मुहिम चलाई है ना, ये जो ये यूट्यूबर लोगों ने, कुछ इन लोगों के एंटी ने चलाई है, वो इसलिए लगाई ये चलाई है कि भाई इनके ऊपर ये केस रजिस्टर हुआ था तो इनको पकड़ा क्यों नहीं गया। तो मैं सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ? भाई मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, आप पढ़े लिखे बंदे हो भाई, पोस्को के अंदर 90 दिन जेल जाते, 3 महीने बाद चार्जशीट दाखिल होती है। बिल्कुल बिल्कुल जाना पड़ता है, पर आपको ये अप्रोच वाला मैडम आप जेल ही नहीं गए, पैसे देके छूट गए, कैसी बात कर रहे हो आप? मैंने कब कहा जेल नहीं गया? मैंने कहा 3 महीने वो जेल रहकर तिहाड़ जेल में रहकर आया है। मैंने भी बोला नहीं जेल नहीं गए सर, वो नीचे ब्रिज भूषण का नाम किसी ने लिखा था कि ब्रिज भूषण करके कोई आदमी है, उसको भी उसने भी पोस्ट लगा था पर वो जेल नहीं गया। ब्रिज भूषण का नाम मत लो, वो दबंग आदमी है। एग्जैक्टली नीचे किसी ने कॉमेंट किया था, आई वॉज जस्ट ओनली रीडिंग कॉमेंट। आज मेरी एक बात सुनो, ब्रिज भूषण का नाम ले रहे हो आप, ब्रिज भूषण ने तो मेरी बात सुनो, ऐसे तो उन्होंने बॉक्सर को कंधे में उठाया, उनके लिए कुछ भी बोलता है, लेकिन सर आप एक दफा जरा राहुल नाम है ना आपका, आप जरा एक दफा नीचे कमेंट्स पढ़ लीजिए तो शायद आपको आइडिया हो जाएगा कि आप क्या रहे हैं। आप
खुद बताओ ना, आपको इतनी नॉलेज है तो मैडम मैं क्यों हूँ, मैं क्यों नहीं, नहीं मैं क्यों बोलूँ आपको भाई, पब्लिक की बात है ना, पब्लिक तो जानती है, लोग मेरे सब्सक्राइबर आए, मैं अभी लाइव थी अपने यूट्यूब चैनल पे, मेरे सब्सक्राइबर्स ने यहाँ पर अभी ज्वाइन किया है, हम लोग बैठ कर यही बात कर रहे थे, हम लोग इस पे सवाल उठा रहे हैं, हमारी लाइव पे आके आपके सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर ने रेट पूछे हैं कि अपने अपने रेट बताओ, माँ और बहन की गालियां दी है, सारी लड़कियां होती है मेरी लाइफ पे सर, इज इट एक्सेप्टेबल? मैं अरमान, देखो मेरा फ्रेंड है मेरे पास, मैं एक बात जानना चाहता हूँ अरमान के लिए, वो अगर पोस्को में होता तो जेल जाता ना। सर मैं काम कर, अरमान तेरा फ्रेंड है ना, दूसरे फोन से उसको फोन कर और उसको पूछ फोन पे, मैं क्यों करूँ, मैं क्यों करूँ, क्यों तेरा दोस्त है ना वो, तेरा दोस्त है ना वो, उसके 15 मिलियन सब्सक्राइबर है यूट्यूब पे यार, साले कितना झूठ बोलेगा, कितना झूठ बोलेगा, साले ब्राह्मण होके कितना झूठ बोलेगा अरमान तेरा दोस्त, अरे साले अरमान तुझे अपनी टट्टी भी ना सूंघने दे, और तेरा दोस्त है वो, अरे मैंने तो 1.5 महीने पहले लतेर लतेर के मारा था लाइफ पे, समझा, मुझे तो ब्लॉक कर दिया आरामी ने, पावर पनोड़ी तू समझा, सच्चाई 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 बोलता हूँ मैं, ब्लॉक की नहीं सच्चाई बोलता हूँ, तेरी तरह रेपिस्टों को सपोर्ट नहीं करता, समझा, इसमें नाम तेरा भी आया पनोड़ी यार, तू ऐसे क्यों बोलता भाई, प्रूफ देना तो ये बोल तो रही है, ये बोल तो रही है कि भेज देंगे ना, उनकी भी पब्लिक गांड फाड़ देगी, गांड नहीं पाड़ेगी भाई, मैं अरमान मलिक सर आप जरा स्वाति जी और निधि शर्मा को लेना, ये कॉल पे आफरीन आना चाह रही हूँ, चल आफरीन आना, सुन 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 अरे नहीं नहीं लाइव, अरे टाइमिंग आ गया है भाई, इसको सारी चीजें भेज देना राहुल को आप, ठीक है, और राहुल तुझे सपोर्ट करना है तो कर, अगर पोस्को लगी हुई है तो वो जेल जाए, मैं बनोड़ी का साथ दूंगा, हाँ, और थोड़ा सा एक और चीज बोलूंगी, नीचे किसी ने